दोस्तों, अगर आप आर्म रेसलिंग करते हैं और आपको जानना है कि आप आर्म रेसलिंग के किस लेवल पर हैं, यानी कि आप कितने अच्छे आर्म रेसलर हैं, तो उसका पता आप लगा सकते हैं आर्म रेसलिंग से रिगार्डिंग एक्सरसाइजेज में आपकी परसेंटेज वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी विद रिस्पेक्ट टू योर बॉडी वेट के थ्रू। यानी कि फर्क नहीं पड़ता कि आपका बॉडी वेट कितना है, किससे आप आर्म रेसलिंग में हारते हैं और किसे आप आर्म रेसलिंग में डोमिनेट करते हैं। क्योंकि अगर आपकी वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग बहुत कम है, तो भले ही आप अपने से कम बॉडी वेट वाले बंदे को आर्म रेसलिंग में हरा दे, पर जब कभी भी आप ऑफिशियल आर्म रेसलिंग में जाएंगे तो हो सकता है कि आप अपनी कैटेगरी में कोई भी प्लेस ना ला पाए, वहीं आपसे हारने वाला बंदा सेकंड, थर्ड या फिर हो सकता है फर्स्ट पोजीशन लेकर आए। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आप आर्म रेसलिंग के किस लेवल पर स्टैंड करते हैं, तो आज हम इसी चीज का पता लगाने वाले हैं डेमो लेट लिप्स के थ्रू। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज इसी डाउन लेट लिफ्ट के थ्रू हम अपने स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ जो है वो मेजर करने वाले हैं। और ये ध्यान जरूर रखिएगा कि उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप इस लिफ्ट में कितना वेट उठा रहे हैं, बल्कि फर्क उससे पड़ता है कि आप कितने बॉडी वेट में कितना वेट उठा रहे हैं, यानी कि अपने बॉडी वेट का कितना परसेंटेज आप अपनी प्रोनेशन पर उठा रहे हैं, वो आपकी प्रोनेशन स्ट्रेंथ होगी। तो इस चैलेंज को कम्प्लीट करने के लिए आज हमारे साथ है आर्यन, जो कि एक बिगनर है, जिसका बॉडी वेट 62 केजी है और जो पागलों की तरह आर्म रेसलिंग करता है, उसको आर्म रेसलिंग का कीड़ा काफी अच्छा खासा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे साथ है हिमांशु, जो कि मिडवाइल आर्म रेसलर है, उसका बॉडी वेट 47 केजी है और जो अपने वेट के हिसाब से काफ़ी अच्छी खासी आर्म रेसलिंग करता है। और नंबर तीन पर हमारे साथ है आयुष, जिसे हम एज अ कंप्लीट आर्म रेसलर कंसीडर कर रहे हैं, जिसका बॉडी वेट है 60 केजी और जो आर्म रेसलिंग की सारी ट्रिक्स और टेक्निक्स को अच्छी तरीके से यूज़ करना जानता है और अपनी कैटेगरी में खेलने के लिए ऑलमोस्ट रेडी है। तो डेमन लिफ्ट को अच्छे से लगाने के लिए सबसे पहले आपकी एंगल है वो बिल्कुल 90 डिग्री पर होना चाहिए। आपको ज़्यादा ऊपर ऐसे खड़े नहीं होना है, आपको घुटने बिल्कुल वो भी 90 डिग्री पर आपके होने चाहिए। आपकी एल्बो आपके घुटने के ऊपर नहीं, कि एल्बो की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए, यानी कि उसके नीचे कोई भी सपोर्ट नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जब आप वेट को लिफ्ट करते हैं तो आपको अपना बम है वो थोड़ी सी नीचे लानी है और तब वेट को उठाना है। तो इसी के साथ चलिए चैलेंज को शुरू करते हैं हमारे बिगनर दोस्त आर्यन के साथ। Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch. Always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy. It was built to be rough, but that's what makes a personality. तो हमारे बिगनर का रिजल्ट है 62 बॉडी वेट के साथ 23 किलो प्रोनेशन लिफ्ट का। और अब बारी है मिड वाला आर्म रेसलर यानी हिमांशु की। तो हिमांशु का रिजल्ट है 47 बॉडी वेट के साथ 20 केजी प्रोनेशन लिफ्ट का। और अब बारी है हमारे प्रो आर्म रेसलर यानी कि आयुष की। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसी के साथ हमारे प्रो आर्म रेसलर का रिजल्ट आया है 60 केजी बॉडी वेट के साथ 25 केजी प्रोनेशन लिफ्ट। तो भाई जैसा कि आपने देखा होगा कि सभी आर्म रेसलर्स थे, इनका जो वेट है प्रोनेशन पे वो ज़्यादा है, यानी कि जितनी उम्मीद कर रहे थे उससे ज़्यादा ही आया है। तो अब बारी है हमारी। जैसा कि आपको पता होगा कि हम किसी भी कंपटीशन में जाते हैं, अपनी कैटेगरी में हम सेकंड या थर्ड जो है पोजीशन हमें अचीव करने की ताकत रखते हैं। यानी कि अगर आपको लगता है कि आप अपनी कैटेगरी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आ सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रोनेशन लिफ्ट कितनी होनी चाहिए हमारे जरिए, क्योंकि हम अभी उठा के देखने वाले हैं अपनी प्रोनेशन पे कितना वजन उठा पाएंगे। चले चलते हैं। तो भाई मैं शुरुआत कर रहा हूँ 20 केजी से। You know I'm always honest, there ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. Easy. तो ये है 25 केजी, 25 केजी, 25 केजी, 25 केजी भी काफी आसान था संजू के लिए, क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट में थोड़ा सा फर्क है। जिम में हमने प्रॉपर पोजीशन में नहीं उठाया था, परफेक्ट पोजीशन में। देखते हैं 30 केजी उठा पाता है या नहीं।
तो ये उठाया हुआ माना जा सकता है। लेफ्ट से तो बिल्कुल फेल है। तो अभी हम 100% पर अपने नहीं है बिल्कुल भी, तो अगर मुझसे ना उठे तो ये मत सोचिएगा कि मेरी 100% पर है। तो दोस्तों सबके रिजल्ट आपने देख लिए होंगे, तो अब बारी है इनकी परसेंटेज बॉडी वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी देखने का, यानी कि किसने अपने बॉडी वेट का कितने परसेंट वेट उठाया है, ताकि उनकी परसेंटेज स्ट्रेंथ जो है वो हम मेजर कर सकें। तो सबसे पहले बारी आती है आर्यन की, जो कि बिगनर था, जिसका बॉडी वेट है 62 kg और उसकी प्रोनेशन लिफ्ट है 23 kg। तो आर्यन का अगर हम परसेंटेज निकालें तो उसने जो वेट लिफ्ट किया है वो है 23 kg, उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 की और देन डिवाइड करते हैं हम उसके बॉडी वेट यानी 62 kg से, तो उसकी परसेंटेज आती है 37.096, यानी 37% अपने बॉडी वेट का उसने प्रोनेशन लिफ्ट पर उठाया। तो अगर आपकी भी वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी अपने बॉडी वेट के 37 या फिर 40 यानी 40% तक है या फिर उससे बिलो है या नीचे है, तो आप अपने आप को एक बिगनर आर्म रेसलर जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। तो उसके बाद बारी आती है हिमांशु की, जो कि मिड वाला आर्म रेसलर था, तो उसका बॉडी वेट था 47 kg, उसकी प्रोनेशन लिफ्ट थी 20 kg। तो अगर हम उसका परसेंटेज निकालें तो 20 kg जितना उसने लिफ्ट किया था उसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम 100 की और उसे डिवाइड करते हैं उसके बॉडी वेट यानी 47 kg से, तो ये आता है 42। यानी अगर आपकी वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 42 या फिर 40 से अबाउ है, यानी कि अगर आप अपने बॉडी वेट का 40% से ज़्यादा आप लिफ्ट कर सकते हैं आर्म रेसलिंग एक्सरसाइजेज में, तो आप एक मिड वाले आर्म रेसलर है, आप एक ठीक ठाक आर्म रेसलर हैं अपने बॉडी वेट के हिसाब से। उसके बाद बारी आती है आयुष की, जिसे हमने एक एज अ कंप्लीट आर्म रेसलर, एक एज अ प्रो आर्म रेसलर कंसिडर किया था। अगर उसका हम परसेंटेज निकालें तो वेट जो लिफ्ट किया था वो था 25 के अबाउ, यानी 27 जो है वो लिफ्ट नहीं कर पाया था, बट उसने थोड़ा बहुत मतलब कर दिया था। तो अगर हम उसे माने तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम उसका परसेंटेज निकालें 27 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 60 जो उसका बॉडी वेट है, तो वो आता है 45 के अराउंड। यानी कि अगर आप एक अच्छे आर्म रेसलर हैं तो आपकी वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी अपने बॉडी वेट के 45 के अराउंड होनी चाहिए, यानी 45% के अराउंड जो है आपकी होनी चाहिए। अगेन जरूरी नहीं है कि अगर आप इसके पास हैं तो आप एक अच्छा आर्म रेसलर होंगे और अगर इसके नीचे हैं तो आप एक अच्छा आर्म रेसलर नहीं हैं। कभी कभी ये चीज़ जो है वेरी करती है, ये हम सिर्फ एक रेफरेंस के लिए ले रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि अगर आप इतनी हैं तो आप अच्छे होंगे और इतने से कम हैं तो आप बुरे होंगे। उसके बाद बारी आती है संजू की, यानी कि एक ऐसे आर्म रेसलर की जो किसी कॉम्पिटिशन में अपनी वेट कैटेगरी में सेकेंड या फिर थर्ड या फिर फर्स्ट लाने की जो हिम्मत है वो रखता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम परसेंटेज निकालें तो संजू ने जो लिफ्ट किया था वो था 30 kg, मल्टीप्लाई हम करते हैं उसमें 100 की और डिवाइडेड बाई उसका बॉडी वेट जो कि है 54 kg, तो ये आता है 55 के अराउंड। यानी कि अगर आपकी वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी अपने बॉडी वेट के 55 के अराउंड या फिर 50 से अबाउ है तो आप एक अच्छे आर्म रेसलर है, अपनी वेट कैटेगरी में आप अच्छे प्लेस हैं वो ला सकते हैं। तो इतना था दोस्तों आज की वीडियो में, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और कई दिन लग गए इसको बनाने में क्योंकि काम बहुत है, बिजी चल रहे थे। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगेन मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इसके थ्रू हमने सिर्फ एक रेफरेंस लिया है, आप और एक्सरसाइज के थ्रू भी कंपैरिजन कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं है ये परसेंटेज एकदम परफेक्ट है, ये परफेक्ट हम नहीं कहेंगे, बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, पर इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप किस लेवल पर हैं आर्म रेसलिंग के। तो हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्ट्रेट ट्रेनिंग, स्टे स्ट्रॉन्ग, बाय बाय।